दोस्तों आज तक आपने ना जाने कितनी सारी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जिन इनक्रेडिबल एंशियंट प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं वो अपने अंदर कोई बड़ा राज छुपाए हुए हैं। इन प्राचीन जगहों में द ग्रेट वॉल ऑफ साइबेरिया और डनमोर केव के साथ कई ऐसी प्राचीन जगहें भी शामिल हैं जिनके ऊपर पिछले कई सालों से रिसर्च चल रही है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं शानदार प्राचीन जगहों और उनके अंदर छुपे गुप्त राजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, सीक्रेट टेंपल पैसेजवेज। ये खोज पेरू के एक कॉम्प्लेक्स आर्कियोलॉजिकल साइट पर की गई थी। दरअसल वो एक एंशियंट टेंपल था जिसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ सीक्रेट या कहें छिपे हुए पैसेजवेज को खोजा था जो काफी गहराई तक जमीन के अंदर जाते थे। इस टेंपल का नाम हुआंटर टेंपल है जो पेरुवियन एंडस में काफी ज्यादा ऊंचाई पर यानी सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये साइट या अंडरग्राउंड पैसेजवेज किसी रिलीजियस रिचुअल या फिर किसी और मकसद के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें कि ये पैसेजवेज पिछले 3,000 सालों से अनटच्ड थे, जहां शेवन डे हंटर नाम के धर्म के एक लोग रहा करते थे जिन्होंने इसे बनाया था, और तो और इन्होंने पेरू के कई और हिस्सों पर भी कब्जा किया था। वैसे इन पैसेजेस के साथ आर्कियोलॉजिस्ट को यहां से कुछ हैरान करने वाले ऑब्जेक्ट्स भी मिले थे जो अपने आप में ही रहस्यमय है। नंबर 9, यूक्रेन्स मिस्टीरियस पिरामिड। यूक्रेन में हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा खोजा है जो सबको चौंका कर रख देने वाला है। वेल, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां से एक ऐसे प्राचीन पिरामिड को खोजा है जो आज से लगभग 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पिरामिड यूक्रेन के ईस्ट में मौजूद लुगांस्क नाम की सिटी से खोजा गया था, जिसको लेकर इसकी KHJ करने वाली एक्सकेवेशन टीम के हेड विक्टर क्लार्कल का कहना है कि ये ईस्टर्न यूरोप में पहले किसी पिरामिड के एविडेंस हैं। वैसे इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि ये पिरामिड की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जो सूर्य की पूजा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसके आसपास से आर्कियोलॉजिस्ट को अल्टर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और टेंपल्स भी मिले थे। दरअसल ये जगह एक रिलीजियस जगह थी और यहाँ के लोग भी सैक्रिफाइसेस दिया करते थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कुछ ग्रेव्स को खोजा है जिनमें विक्टिम्स की बॉडी मौजूद है। नंबर 8, डनमोर केव। दोस्तों इस केव को आयरलैंड की किलकेनी सिटी से कुछ मील की दूरी पर ही खोजा गया था, जो कि एक बहुत विशाल केव है, और इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये केव 1,000 किलोमीटर तक गहरी अंडरग्राउंड केव है। जब शुरुआत में इसे खोजा गया था तो इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये केव मेडिटेरेनियन सी में पानी जाने वाली बहाव के कारण बनी थी, लेकिन धीरे धीरे इस बात का खुलासा हुआ कि इस केव का इतिहास कुछ और ही है। दरअसल ये बात आज से करीब 1,000 साल पहले की है, जब डबलिन के राजाओं ने वाटरफोर्ड के राजाओं के साथ युद्ध किया था, तब आम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के केव्स का निर्माण किया था, जिसे आज डनमोर केव नाम से जाना जाता है। लेकिन राजाओं ने वहां भी आग लगवा दी और करीब 1,000 से ज्यादा लोग बिना मौत के मारे गए थे। नंबर 7, द ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक माइन इन अमेरिका। अमेरिका में भी आर्कियोलॉजिस्ट कई प्राचीन चीजों को खोज रहे हैं, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेरिका में एक सबसे ज्यादा पुरानी माइन को खोजा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईस्टर्न वायोमिंग की जिस साइट से इसे खोजा गया है उस साइट पर 1986 से आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च में लगे हुए थे, लेकिन साल 2022 में इस साइट को खोज सके हैं। इस साइट पर आज से करीब 13,000 साल पहले रेड ऑकर भी प्रोड्यूस किया गया था, और उस समय के लोग इसे बग रिपेलेंट, सनस्क्रीन और तो और ना जाने कितने और पर्पस के लिए यूज करते थे, जिसके एविडेंस भी आर्कियोलॉजिस्ट को उसी गुफा से मिले थे। दोस्तों इस साइट को पावर्स 2 नाम से जाना जाता है, जो पास्ट में करीब 12,000 साल तक उपयोग में ली जा चुकी है। इसके साथ ही इस साइट से एंटलर्स, एनिमल बोन्स और कुछ प्री हिस्टोरिक टूल्स भी मिले हैं, जिस कारण से ये खोज आज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनी हुई है। नंबर 6, द ग्रेट वॉल ऑफ साइबेरिया। दोस्तों इस ग्रेट वॉल ऑफ साइबेरिया को अल्टाई माउंटेन से खोजा गया था, जो आज के समय लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वॉल आज से 2000 साल पहले यानी उसी समय बनाई गई थी जब दुनिया में मौजूद बाकी सभी वॉल्स को बनाया गया था, जैसे कि यूके में हैड्रियंस वॉल को बनाया गया था और चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये वॉल अपने आप में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और हैड्रियंस वॉल से भी ज्यादा सीक्रेट को छिपाए हुए है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस वॉल के बारे में इसे खोजे जाने के पहले यानी कि पिछले साल तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, और आर्कियोलॉजिस्ट की माने
तो उनका कहना है कि इस वॉल को जब बनाया गया था तब ये वॉल करीब 30 फीट ऊंची थी, जिसे वहां के लोगों ने अपने डिफेंस के लिए बनाया था। हालांकि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये कि आखिर इसे किस सिविलाइजेशन ने बनाया और पहाड़ों पर ऐसे कौन से एनिमी के लिए डिफेंस सिस्टम के तहत इस वॉल को तैयार किया गया। इन सवाल के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नंबर 5, लॉस्ट नेटिव अमेरिकन विलेज इन जैक्सनविल। दोस्तों, लॉस्ट नेटिव अमेरिकन विलेज की खोज नॉर्थ फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स विक्टोरिया हैस और काया लेसी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसकी खोज कुछ इस प्रकार हुई कि जब ये दोनों बिग टैलबोट आइलैंड पर एक छोटा सा गड्ढा खोद रहे थे तब इन्हें वहां से खजाना मिला जिसे पायरेट्स के द्वारा छिपाया गया था। पर इसके बावजूद इन्हें वहां से कुछ पॉटरी भी मिली जिसकी कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये पॉटरी 4th सेंचुरी की है और ये वही समय था जब नेटिव अमेरिकन का विलेज उस आइलैंड पर हुआ करता था। आपको बता दें कि जिस पॉटरी को उन दोनों ने खोजा था उस पॉटरी को मेजोलिका पॉटरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पूरे नॉर्थ फ्लोरिडा में खोजा गया यह अब तक का सबसे बड़ा नेटिव अमेरिकन के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। लेकिन स्पेनिश और फ्रेंच के लोग तो इस आइलैंड पर बहुत बाद में आए थे, जबकि इस आइलैंड पर रहने वाले नेटिव अमेरिकन्स हजार साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। पर अब सवाल आता है कि आखिर कैसे, तो आज तक इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 4, द टूम्ब ऑफ फू हाओ। फू हाओ एक वॉरियर क्वीन थी। ये पूरे इतिहास की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन में से एक थी जिनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। ये 13th सेंचुरी में चाइना में रहती थी और हाल ही में अनयांग में आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी कब्र खोजी है, जिनकी कब्र से अंदर से कई सारे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स मिले भी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्राचीन ओरेकल बोन्स थी। दरअसल ये एक प्रकार की हड्डी होती थी जिसके ऊपर डिवाइन इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता था और इसी के कारण आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता लगा पाए हैं कि ये एक रॉयल वुमन थी और इनका शांग के इतिहास को बदलने में भी बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 3, द कैपिटल ऑफ द हंस। टोंग वांशांग हंस जैसे पावरफुल सिविलाइजेशन का कैपिटल था और ये आज हंस के द्वारा बनाई गई एकमात्र प्राचीन सिटी है। वेल, ये वही लोग थे जिन्होंने आज से 1600 साल पहले यूरोप को तबाह करने का काम किया था। इनके इस कैपिटल को आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में खोजा है, जिसके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च की, तब जाकर वो ये पता कर पाए कि ये हंस के द्वारा बनाई गई सिटी है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री और हिस्टोरियन दोनों के अकॉर्डिंग ही हंस एक नोमैडिक ट्राइब थे, यानी कि ये जगह की फेर बदल करते रहते थे। लेकिन अब जब इनकी सिटी को आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज लिया है तो ये वाकई एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। नंबर 2, द ब्लू स्टोन ट्रैक्स। दोस्तों, वैसे तो आज की इस वीडियो में हम स्टोनहेंज के बारे में थोड़ी बात पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड का स्टोनहेंज आज भी दुनिया के सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आपको बता दें कि इस पर बड़े बड़े पत्थरों के साथ 40 छोटे छोटे पत्थर भी मौजूद हैं, जिन्हें ब्लू स्टोन नाम से जाना जाता है। शायद ही आप ये बात जानते हो कि उन 40 पत्थरों को भी कहीं और से नहीं बल्कि वेल्स के पेम्ब्रोक शायर में मौजूद प्रिस्किला हिल्स से भी लाया गया था। ये जगह वहां से करीब 200 मील की दूरी पर है और किसी न किसी ने इन्हें वहां से 5000 साल पहले इंग्लैंड तक पहुंचाया था। दरअसल इस बात का खुलासा साल 2019 में तब हुआ था जब प्रिस्किला हिल्स पर एक एक्सकेवेशन के दौरान वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थर से बने स्टोन पिलर्स मिले थे जिन्हें लकड़ी के साथ बनाया गया था। हालांकि इस बात का पता तो आर्कियोलॉजिस्ट ने लगा लिया, लेकिन आखिर उन विशाल पत्थरों को वहां तक वो लोग कैसे लाए, ये बात आज भी रहस्य ही है। नंबर 1, द रिलिक्स ऑफ सैंगसिंग डुई। दक्षिण पश्चिम चीन में सैंगसिंग डुई के प्राचीन खंडरों की खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि उन्होंने यीशु मसीह के जन्म से पहले के विचित्र अवशेषों के साथ साथ एक सुनहरे खजाने की भी खोज की है। आपको बता दें कि चीन के सैंगसिंग डुई प्रोविंस में आर्कियोलॉजिकल साइट से बरामद की गई सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक सोने की चादरों से बना एक विशाल मुखौटा है। इसके साथ ही सैंगसिंग डुई में खोजी गई कई अन्य वस्तुओं में कॉपर की मूर्तियां, चाकू, डेली यूज के बर्तन और 140 से अधिक हाथी दांत शामिल हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में उसी साइट पर खुदाई शुरू होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 2000 आर्टिफैक्ट्स और कार्विंग्स भी मिली हैं और ये आर्कियोलॉजिकल साइट वाकई अद्भुत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।